हेलो गाइस, दिस इज राजा। सो कैसे हैं आप लोग? सो मेरा कुछ नहीं, बेकार है, क्योंकि अभी सबका ही सेम टाइम चल रहा है। कोई घर से ठीक तरह से नहीं निकल पा रहा है, कोई काम में नहीं जा पा रहा है, वर्कआउट ठीक तरह से सबका पॉसिबल नहीं हो रहा है घर पे। सो उसके साथ साथ भी फिर से हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे खुद को फिट रखा जाए। सो चलिए ऐसे ही खुद को मेंटेन करते हैं जितना दिन हमारा ये सिचुएशन से हम लोग बाहर नहीं निकलते। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में रखा था कि कोर और साथ में कार्डियो का, सो आज मैं फिर से कोर और कार्डियो दिखाऊंगा। उसमें कुछ कार्डियो रहेगा और हर एक वर्कआउट के बीच में 30 सेकंड्स का गैप होगा, और एक एक वर्कआउट 30 सेकंड्स करके आप लोग कंप्लीट करेंगे, और मैं 3 या 4 कार्डियो वर्कआउट आप यहाँ पे रखूंगा, तो उसको आपको 3 या 4 बार ही रिपीट करना है। सो ऐसे करके आपको वो कंप्लीट करना है। एक एक राउंड खत्म करने के बाद आप 2 मिनट्स का ब्रेक दे दीजिए, तो उसके बाद फिर से सेकंड राउंड वर्कआउट आप स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था, एक एक वर्कआउट 30 सेकंड्स करके आप लोग कंप्लीट करने के बाद सेकंड वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जाके आप 2 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्कआउट मेरा जो होगा जंप स्क्वाट। तो मैं स्क्वाट पोस्टर पे खड़े रहूंगा और पैर स्क्वाट पोस्टर का ही गैप रहेगा, तो बॉडी हाफ यहां से स्टार्ट। तो यहां से चलिए, एक खत्म होने के बाद सो नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा वो रहेगा माउंटेन क्लाइंबिंग विथ पुशअप्स। वर्कआउट और लास्ट मेरा जो वर्कआउट रहेगा वो कोर के लिए हो रहेगा प्लैंक आर्म रिच। एक राउंड कंप्लीट हुआ, अब 2 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। सो ऐसे आप इसको 3 राउंड या 4 राउंड घर पे करिए। चलिए फिर मिलते हैं।